हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फ्रेंडली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना चैन के, बिना फॉर्म शीट के और बिना जो प्लास्टिक बैग मैं आपके साथ हर बार यूज करना बताती हूँ, तो कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना ही चैन चाहिए, ना ही फॉर्म शीट चाहिए, ना ही प्लास्टिक बैग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल हमें घर में वेस्ट पड़े हुए जो स्क्रैप पीस होते हैं वो बच जाते हैं, और जो पुराने कपड़े होते हैं वो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दो आइडियाज हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फुल वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडिया के लिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ जिस टॉवल का यूज़ किया था उसमें से ये थोड़ा सा पीस बचा हुआ था, तो इसका मेजरमेंट है 23.5 इंच बाय 17 इंच, यानी कि 23.5 बाय 17 इंच का हमें ये पीस लेना है। और इसे अब हम साइड में रख देंगे क्योंकि ये केवल मेरे पास इतना ही पीस था। तो अगर आपके पास उसी कपड़े का पीस है तो आप उसी में से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास उसमें से पीस नहीं बचा हुआ था। तो यहाँ एक जीन्स का मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, उसमें से ये इतना सा पीस बचा हुआ है। तो उसमें से इस तरीके से कोई भी कटोरी लेनी है हमें, इसे थोड़ी छोटी हो बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लेना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करना है और उसे कट करना है। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब कट करने के बाद जो ये टॉवल हमने लिया है, इसे इस तरीके से लंबाई वाली साइड से हमें सिलना है। तो सिलना किस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक सिलना है, फिर यहाँ हमें छोड़ देना है, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो सिलाई मैंने लगा ली थी। अब जो साइड है इसकी, तो ऊपर तो सिल दिया है और नीचे वाली साइड में इस तरीके से कट लगाना है और इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ भी हमें कट लगाना है। तो देखिए, हमारे चार कॉर्नर बन चुके हैं। यहाँ ये इस तरीके से कट लगा ली। अब इसी तरीके से यहाँ नीचे की साइड में कट लगाना है और फिर इस तरीके से हमें यहाँ नीचे कट लगाना है। तो इस साइड भी हमारे चार कट लग चुके हैं, यानी कि चार कॉर्नर हमारे इस तरीके से बन चुके हैं। अब जो ये राउंड हमने कट किए हैं कटोरी में से, तो इस तरीके से हमें इसे भी फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है और इसके दोनों साइडों में हमें कट लगाने हैं। देखिए, इस एक साइड ये बंद है और एक साइड खुली साइड है, तो दोनों साइडों में हमें इस तरीके से कट लगाने हैं। अब कट लगाने से देखिए, चार यहाँ भी कट हमारे आ चुके हैं। इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो पीस है, इसमें भी हमें दोनों साइडों में कट लगाने हैं, जिससे कि इसमें भी चार कट हमारे लग जाएँ। तो दोनों पीस इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब इसे हमें इसमें करना है अटैच। तो अटैच करने के लिए देखिए, ये उल्टी साइड है और जो ये राउंड है इसका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड होना चाहिए और उल्टा वाला साइड बाहर की साइड होना चाहिए। अब ये कट से कट को हमने मिला दिया, किसी भी कट को किसी भी कट से आप मिला दीजिए। अब यहाँ से आगे की साइड में कट को लेना है और टॉवल वाले कट को लेना है और यहाँ इस तरीके से पिनअप करना है। देखिए, पिनअप कर दिया। अब फिर से हमें दोनों कटों को मिलाना है इस तरीके से, टॉवल वाले कट को और जो राउंड शेप बनाया है उसके कट को यहाँ मिला दिया। अब लास्ट ये इसका कट और इसका कट ये बचा है, इन्हें भी मिलाना है और यहाँ हमें इस तरीके से इसे पिनअप करना है। तो ये आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे, मुझे पता है। तो अब जो दूसरा वाला साइड है वहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें कट से कट को मिलाना है, फिर से हमें कट से कट को मिलाना है, फिर से कट से कट को मिलाना है। अब जो लास्ट कट बचा हुआ है उसे भी यहाँ इस तरीके से हमें मिलाना है। तो इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। अब जो ये यहाँ पीस खुला हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हमें डालने हैं चुन्नट। तो इस तरीके से यहाँ हमें चुन्नट डालने हैं, तो जो कट से कट मिलाया है वहाँ तक हमें इसे कवर करना है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। यहाँ से हमें जो ये कपड़ा है इसमें हमें गैदर्स लगाने हैं, तो बस यहाँ से हमें जो गैदर्स हैं वो लगाने हैं और जो अगली जो कट है वहाँ तक हमें इन गैदर्स को लगाना है। इसीलिए हमने कट लगाए थे कि इसमें हमें जो चुन्नट हैं वो केवल इतने ही एरिए में कवर करनी है। अब देखिए, दूसरा वाला जो कट है वो आ गया है, तो यहाँ से हम पिन को हटा देंगे, नहीं तो हमारी सुई है वो टूट सकती है। तो यहाँ इस तरीके से फिर से हमें गैदर्स हैं वो लेने हैं और जो अगला कट है वहाँ तक इस पूरे कपड़े को हमें यहाँ कवर करना है। ये देखिए, अब दूसरे वाले कट को हमें यहाँ से फिर से इसमें गैदर्स डालने हैं और पिन्स को हमें निकालते जाना है, जिससे कि जो हमारी मशीन की सुई है वो कटे नहीं। तो इस तरीके से बस गैदर्स को हमें डालते जाना है अगले वाले कट तक, यहाँ तक पूरा जो कपड़ा है उसे यहीं तक फिनिश करना है। अब देखिए, लास्ट में ये बचा हुआ है, तो ये कट से कट को बस हमें मिलाना है और जो भी ये एक्स्ट्रा पीस था टॉवल का उसे वहीं पर हमें कवर करना है। तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा वैसे तो,
तो पूरे राउंड में इस तरीके से हमने देखिए स्टिच लगा ली है, तो ये पीस हमारा इसमें अटैच हो चुका है। इसी तरीके से अब जो दूसरा वाला साइड है इसे भी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों साइड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ हमने इसे खुला छोड़ा था, तो यहाँ से हम इसे पलट ले लेंगे, यानी कि इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने सीधा कर लिया और कितने अच्छे से यहाँ गैदर्स आए हैं। तो इस तरीके से आप छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, किसी भी साइज़ का एक राउंड प्लो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये कुछ कतरन है, तो मैं इसे फिल करने वाली हूँ। आप किसी भी कॉटन का, पॉलीफिल का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बस इस तरीके से हमें ऐसे इसमें फिल कर देना है। तो बहुत अच्छे से दबा दबा कर मैं इसे भर दूँगी। तो मेरे पास, मैं काम करती रहती हूँ सिलाई का, तो ये सारा केवल मेरा ही घर का, मैं जो भी बनाती हूँ केवल वही कतरन है, बाहर का मैं किसी का भी नहीं करती हूँ। तो बस ये मैंने इस तरीके से फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ मैंने एक नीडल और थ्रेड लिया है और यहाँ जो ये एरिया इसका खुला हुआ है इसे हम स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करना बहुत ईजी है, इस तरीके से बस हमें स्टिच लगानी है और लास्ट में इसे अच्छे से सिक्योर करना है, यानी कि यहाँ इसमें हमें नॉट लगा देनी है। तो ये हमारा जो प्लो है बहुत अच्छे से बन चुका है। इसका साइज़ आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इसकी जो लंबाई ली है ना मैंने, तो वहाँ आप इसकी जो लंबाई है वो बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरा वाला आइडिया है वो इसी से रिलेटेड है, तो फुल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से, मेरे पास कुछ वेस्ट कतरन्स पड़ी हुई थी जो सिलाई में से बच जाती हैं, तो इसमें से ये देखिए मैं कतरन है, जो ये पिंक वाला कपड़ा था ये थोड़ा ज़्यादा था, तो इसे मैं बीच में रख लूँगी, और जो येलो वाला था उसकी जो लंबी सी पट्टी थी तो उसे मैंने इस तरीके से डबल में कट कर लिया है। तो कट करने के बाद इसे यहाँ मैं अटैच करूँगी और दूसरी वाली पट्टी को मैं यहाँ अटैच करूँगी। तो अटैच किस तरीके से करना है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है इस साइड, और दूसरी वाली साइड भी हमें इसमें सिलाई लगानी है। अभी हम इसमें दाब सिलाई नहीं लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों साइड से ये एक जैसा ही है, तो आप किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बस इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसमें दाब सिलाई लगाने से पहले इस पीस को मैं इस तरीके से जिस साइड में हमने सिलाई लगाई है उस साइड कर लेंगे और इसे अंदर की साइड इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ मेरे पास वेस्ट लेस पड़ी हुई थी, ये पुरानी साड़ी में से निकली हुई लेस है, तो इसका यूज़ मैं करूँगी। तो आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जहाँ स्टिच है वहाँ उस स्टिच लाइन को दबाते हुए मैं इस लेस को यहाँ अटैच कर दूंगी। तो ये बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें इसको रखना है लेस को, और यहाँ सिलाई लगा देनी है, और दूसरी वाली साइड से भी अब इसे हम फिनिश कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये हमने लगा दी है, अब इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पर भी हम जो ये लेस है उसे अटैच कर देंगे। सेम उसी तरीके से अटैच कर दिया है मैंने, और ये पीस इस तरीके से मेरा निकल के आ चुका है। तो इसमें से मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब कितना लंबा पीस लिया है मैंने वो भी बताती हूँ। तो देखिए 24 यानी कि 24.5x21 का मैंने ये पीस लिया है। अब जो 21 इंच वाली साइड है वहाँ इस तरीके से उल्टा करना है, और यहाँ इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है कपड़े को, और दोनों साइडों में हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करती हुई सिलाई लगानी है पूरी में। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो हमारी 24.5 वाली साइड है यहाँ हमें ये इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करना है, और फिर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हमें लगानी है सिलाई। तो ये इस तरीके से दोनों साइड में करना है जिससे कि हम इसमें डोरी इंसर्ट कर सकें। तो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा ली है, ये देखिए। तो यहाँ से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे। अब इस पीस को ये देखिए यहाँ डोरी के लिए इसमें से ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, इसी में से मैं दो डोरियाँ हैं वो बना लूँगी। तो 1 इंच का इस तरीके से मैं इसमें से 1 इंच चौड़ाई का फैब्रिक कट कर लूँगी, और कट करने के बाद मैं दोनों साइडों से फोल्ड करती हुई और बीच में से फोल्ड करती हुई पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। तो दो डोरियाँ चाहिए, तो दो डोरियाँ मैंने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब इन डोरियों को तैयार करने के बाद मैं हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से करना है, और यहाँ इस तरीके से करना है लंबाई वाली साइड से, और यहाँ ये जो हमारी डोरी डालने के लिए जगह छोड़ी हमने उसे छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद मैं ये जो डोरियाँ बनाई हैं वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो पहले एक साइड से हम देखिए यहाँ से डालेंगे और दूसरी वाली साइड से इसे निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से आप किसी भी बचे हुए फैब्रिक में से बहुत ही अच्छा कुशन कवर है या फिर पिलो कवर है जो चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने राउंड पिलो कवर बनाया है और इसका मेज़रमेंट मैं बताऊंगी। आप किसी भी साइज़ के पिलो के लिए पिलो कवर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए डोरी मैंने डाल दी है, अब इसे आपको इंसर्ट करके भी दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। तो देखिए पिलो कवर भी बना दिया और पिलो भी बना दिया हमने, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बस इस डोरी को हमें खींचना है और यहाँ नॉट लगानी है। तो ये देखिए नॉट लगा दी और दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से हमें जो ये डोरी है वो खींचनी है और इसमें हमें नॉट लगानी है। और इस डोरी को आप अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरीके से ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा प्लो एंड प्लो कवर बनके तैयार है। अब आपको किसी भी साइज़ का प्लो कवर बनाना है, राउंड शेप प्लो का आपको राउंड प्लो कवर बनाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है, यानी कि हाफ से और यहाँ हाफ तक। तो ये देखिए यहाँ जितना भी आ रहा है उसमें आप लगभग 3 इंच प्लस कर दीजिए, आपको 3 इंच प्लस करना ही करना है। और जो इसकी जो लंबाई है ये इस तरीके से गोलाई है, तो यहाँ पहले हमें मेज़रमेंट लेना है, जितना भी आ रहा है उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, यानी कि 1 इंच प्लस कर दीजिए, तो आप बहुत आसानी से अपना प्लो कवर बना सकते हैं। राउंड प्लो कवर बहुत आसानी से इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर किया करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।